ईवीएम के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और कल भी आपने यही ये जो प्रेस वार्ता थी सबने रिकॉर्ड की, सब लोग साथ में थे, आज जो प्रेस वार्ता है उसमें एक बहुत ही सम्मानित, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पैनल हमारे साथ में है, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड 3 जजेस हैं हमारे साथ शामिल। आदरणीय जस्टिस बी ईश्वरैया जी, वी ईश्वरैया जी जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस रहे हैं, आदरणीय श्री वीरेंद्र यादव साहब, आप भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं, आदरणीय श्री बीजी कोलसे पाटिल साहब, आप भी हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और आप सर को देखते होंगे कि लगातार सोशल मीडिया पर और सामाजिक मुद्दों पर खुल के बोलने वाले एक जज हमारे बीच में, बहुत ही सम्मानित जिनको आप देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत जिनमें है, ऐसे हमारे बहुत सीनियर साथी एडवोकेट आदरणीय श्री प्रशांत भूषण साहब हमारे बीच में हैं आज इस पैनल में। हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी भी बैठे हैं, साथ में हमारे साथ एक और साथी जिनको आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में सोशल मीडिया पर लगातार सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के नाते ईवीएम के खिलाफ जो बोल रहे हैं, आदरणीय श्री बलराज मलिक साहब वो भी हमारे साथ में हैं, आदरणीय डीसी कपिल साहब जो इस आंदोलन के जो मुख्य 5 लोग हैं उनमें से एक हैं, और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। हमारे साथ बैठे हैं भाई महमूद पराचा जी, हर कोई जानता है कि किस तरह से खुल के इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथ में हमारे साथ एहसान अहमद साहब बैठे हैं जो आरजेडी से हैं, उनके नेशनल सेक्रेटरी रहे हैं। साथ में आप जानते हैं श्री सूरज मंडल साहब को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हमारे साथ में प्रोफेसर रतनलाल जी भी हैं। हाँ सॉरी, सामने देखिए, उनकी एक बड़ी खासियत है कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि सीट पर बैठा जाए कहीं हो, काम करने से मतलब है। तो प्रोफेसर रतनलाल जाना माना नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और हमारे साथ मणिपुर से जो हमारे साथी हैं डीआरडीओ में रहे हैं, इस जो 5-6 लोगों की कमेटी में एक मजबूत स्तंभ है सर, हिजम राजेंद्र सिंघा साहब, डॉक्टर अनिल जैन, अच्छा बचाओ संघर्ष समिति जी, डॉक्टर अनिल जैन साहब भी हमारे साथ में हैं, आप चाहें एच एल दुसाद साहब भी हमारे साथ में हैं, राजेश गुप्ता जी ओ अच्छा जिनका नाम है राजेश गुप्ता साहब, आप हमारी टीम में भी हैं जो स्टेट लेवल पर हमने बनाई है, राजेश गुप्ता साहब मध्य प्रदेश की टीम में है, झारखंड, हाँ हमारे साथ लोकेंद्र गुजर साहब भी हैं हमारे साथ में। तो ये पैनल हमारे साथ में है, इंट्रोडक्शन हो गया था, एक मिनट मैं सर एक बात कर, आप सब माफ करेंगे, मैं ईवीएम के खिलाफ आपके साथ कई बार बोला हूँ, मैं इन सब दोस्तों के साथ जान देने को तैयार हूँ, मुझे एक दूसरी मीटिंग है और वो ईवीएम के बारे में है। आपको मैंने बोला है कई बार कि 2024 तक हमारी आधी गर्दन कटी है, बची हुई आधी कटन मेरी ईवीएम से वोटिंग होगा तो कट जाएगी, हम सब खत्म हो जाएंगे, आपका सोशल मीडिया ना रहेगा ना हम रहेंगे। और दूसरी बात ऐसी है कि इनका इतिहास देखो, जो सत्ता पर है जिन्होंने आज तक जिनको, सर आप इधर आओ, यहाँ पर आप बैठो, वेरी सॉरी आप बैठ के आप दोबारा आप जानते हैं, सब जानते हैं, सबको मिला हूँ मैं, ईवीएम के बारे में मेरे विचार भी जानते हैं। मैं कहता हूँ कि ये रेजिम जो है सिर्फ झूठ पर खड़ी है, तो वो ईवीएम को क्या पपी लेंगे, किस करेंगे, वो ईवीएम को मैनेज करेंगे, यदि ईवीएम मैनेज करेंगे तो 2024 में हम सब साफ हो जाएंगे। जो भी है सबको मैं इंडिया के सभी लीडर को भी बोल रहा हूँ कि तुम भी सब साफ हो जाएंगे, आपस में लगड़ो जड़ो मत। तो मैं आप सबको विनती करता हूँ, इन सबके माध्यम से मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ, वो भी आप बता देना, वो नहीं वो अभी नहीं बोल रहे, हम तो पहले वो प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं ये एक ही बोलता हूँ कि इस लड़ाई में मैं मरने को तैयार हूँ,
क्या करना है हम बाद में बताएंगे। चल ठीक है, जरूरत भी यही है। थैंक यू सर। भानु जी जो भी बाद में एड्रेस करें वही बेहतर रहे। ठीक है। तो सर को जाना है इसलिए अपनी बात वो पहले रख गए। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में आपको आपको भी निकलना, महमूद भाई अपनी बात रखेंगे, देन उसके बाद में हमारे बाकी साथी जो हैं अपनी बात रखेंगे। साथियों, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के कल हम सब मेंबर्स जो हैं, 6 जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, कल हम अपनी बात रख चुके हैं। आज हमारे सम्मानित जो लोग आए हैं जिनको हम सब बहुत ही इज्जत की नज़र से और इंस्पिरेशन लेने के लिए देखते हैं, आज हम लोग चाहेंगे कि ये लोग बोलें, हम लोग इनकी बात बैठ के सुने और जो ये दिशा निर्देश हमें दिखाएं उनके पीछे रह के और लड़ाई को हम आगे बढ़ाएं, इनसे हम दिशा निर्देश लें। ये सब सीनियर लोग हैं, ये हमें बताएं हमें क्या करना है। हम लोग सड़क पे लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे, हारने का सवाल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने दिल में ये बात ना रखे, सवाल भी ना सोचे, कोई शक शुबा ना रखे कि इस बार इलेक्शन और उसके बाद हर बार इलेक्शन सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे। कोई सवाल नहीं उठता, कोई ताकत इस दुनिया की वीवीएम से इलेक्शन नहीं करा सकती। ये बात मैं सिर्फ एक बुनियाद पे बोल रहा हूँ कि हमें दिन रात देश की जनता फ़ोन कर, मैंने कल भी ये बात बोली है, फ़ोन कर करके बोली है, बोल रही है कि अगर आप लोग भी पीछे हट गए तो आप भी देश के गद्दार हो गए। अगर ईवीएम से आपने चुनाव करने दिया, हम आपके साथ हैं, आप ईवीएम से चुनाव नहीं करने देना। जो भी ईवीएम से चुनाव कराएगा वो देश का गद्दार होगा, ऐसा फ़ोन कर करके हमें जनता बोल रही है। तो मैं एक ही बात और रख के कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन ईवीएम से इस बार हम लोग तो कम से कम चुनाव नहीं होने देंगे, जनता हमारे साथ है, पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा। आखिरी एक बात रख के फिर मैं अपने सम्मानित गेस्ट को टाइम देना चाहेंगे, आज हम उनको सुनना चाहेंगे। वो बात ये है कि हमें ईवीएम के साथ साथ एक और काम भी करना है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें फॉर्म 6 अगर किसी वोटर का नाम छूट गया है तो पूरी ताकत लगा के हम सभी भाई बहनों को अपने नाम वोटर लिस्ट में चढ़वाने हैं। दूसरा, क्योंकि हम लोगों के जो वीकर सेक्शन से उनके नाम आरएसएस और बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख है ना, दिन रात लग के कटवाते हैं और अपने फर्जी नाम बढ़वाते हैं। तो फॉर्म 6 इस चीज़ के लिए होता है कि आपका अगर नाम छूट गया है आप अपने वोटर लिस्ट में चेक करें। एक वेबसाइट भी है इलेक्शन कमीशन की, वो पता नहीं कितना काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन आपके लोकल जो SDM होंगे या जो चुनाव का ऑफिस है वहाँ जाके आप अपनी लिस्ट ठीक कराएं। दूसरी बात, फॉर्म 7 होता है, फॉर्म 7 में जो फर्जी वोट ये RSS और BJP के लोग डलवाते हैं उसको भी निकालने का काम करें। आज हम यही बात करना चाहेंगे, हम अपने सीनियर्स को सुनना चाहेंगे आज, ताकि उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से हम जान की बाजी लगा के ये लड़ाई जीते और देश बचाएं। EVM हटाओ देश बचाओ। साथियों, अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित एक्टिव चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश श्री वी ईश्वरैया वो आएं और अपनी बात रखें और EVM के विषय में किस तरह से हम लोगों को आंदोलन करना है वो आपको बताएं। यहाँ दो सम्माननीय, मेरा आवाज आ रही है सबको? सम्माननीय भाइयों, इंग्लिश में यू कैन स्पीक मोस्ट, थोड़ा जोर से बोले, हिंदी बोलते तो इससे बढ़िया कौन सी बात। पीछे करूँ इसे थोड़ा? नहीं नहीं, बस करो नहीं, थोड़ा आवाज तेज करो। दी मोस्ट रेस्पेक्टेबल दी मेंबर्स ऑफ दिस प्रेस मीट इन द प्रेस मीडिया, today we are all meeting to address about the voting pattern and the by EVM and the most the renowned Supreme Court advocate ji Prashanthi Bhushan ji ne, he has one of the main activists in so far as the civil the society commission, the Madan Lokur's commission, Madan Lokur have studied and submitted his report. And it is well known fact that though whoever has found that electronic voting machine, when that country is switched over to ballot papers, and many of the European countries, America, developed countries have switched over to EVMs, and EVMs can be manipulated and can be
meddled with and can be tampered with, and that is almost undisputable fact. And therefore, then if the voting pattern is not done freely, fairly and transparently, and there is no democracy, it is worse than the dictatorship. Therefore, as the justice said, then ye pura democracy khatam ho jayenga, then apne there will not be constitution. Same apne constitution has been meddled with, and they will change it, and they will push back the India into the pre-India situation. Therefore, it's today all of us, we have met the Sri Rahul Gandhiji and motivated him that we, the civil society, are fighting to conduct the 2024 parliamentary elections by the ballot papers, or at least let them accept the recommendations of the Justice Madan Lokur's commission that the VVPATs may be the slips may be given to the voter, and that slip can be put in a separate box so that it can be, at least the tampering will be minimized, at least without amending the People's Representative Act, because it's not, it may be possible or it may not be possible, but at least that can be done. So we have stated that unless you come in aid and assistance and cooperate with civil societies, if the people's agitation may not be built, then he said he will also discuss with the INDA, the Gadbandhan, and they will also, but they are not confident. So far they are not confident whether they can do it or not. But unless the civil society awakens and we build a agitation, then they will take advantage, they will come. I think, I hope and trust our agitation. Because jo sankalpa shuddhi hai, wo sankalpa siddhi hota hai. With determination, we will positively, we will fight it and we will achieve it. Thank you for giving me the opportunity. 16 के हमारे मार्च के लिए भी सपोर्ट हाँ हाँ 16 मैं बताता हूँ एक मिनट ये बोल 16 मार्च को वी विल टेक आउट अ मार्च फ्रॉम पटियाला हाउस कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट देन वी आर द सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस क्योंकि ऑल इंडिया लेवल फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू द कन्याकुमारी केरला तक आवर ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर एंड व्हाट एवर स्टेप you are taking for the replacement of the EVMs, the scratching of the EVMs, we will support. And 16th March agitation also we will support, and we will see that it will have a great success. Thank you. Sir. Sathiyo. साथियों, अभी जो जस्टिस वी ईश्वरैया सर ने जो बोला है उसका बहुत छोटा सा सार ये है कि ये जो आंदोलन है जो ईवीएम के खिलाफ चल रहा है, सिविल सोसाइटी ने एक कमीशन बनाया था जस्टिस मदन बी लोकुर साहब की अध्यक्षता में, जिसकी एक रिपोर्ट आई है सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ईवीएम एंड वीवीपैट, और आदरणीय श्री प्रशांत भूषण साहब भी उसका एक अभिन्न अंग रहे हैं, हमारे बहुत सम्मानित साथी। तो उसमें भी जो बताया गया है, बहुत सिंपल सा उसमें बताया गया है कि ईवीएम की जो मशीन है उनसे छेड़खानी हो सकती है, उनसे टेम्परिंग हो सकती है, और उनसे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। वो बड़ी रिपोर्ट, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि उस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, एक्सपर्ट्स, आईआईटी एक्सपर्ट्स, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी के बहुत ही सम्मानित लोग रहे हैं। और अभी तक दो दिन पहले की है कि पहले 6,500 थे, लेकिन अब 7,400 लोगों ने साइन उस पर किया है, और ये देश के बड़े प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने किया। उसी की रिपोर्ट के विषय में आपने बताया, और आपने बताया कि राहुल गांधी जी से भी आज अभी मिले हैं सुबह, और उनसे कहा है कि आपको सामने आना पड़ेगा, एटलीस्ट या तो आप खुद आए सामने या फिर अपने लोगों को भेजें, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो आप जीत कर नहीं आ पाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप आएंगे तो लोगों का हौसला बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, और जो हमारा आंदोलन 16 तारीख को होने वाला है पटियाला हाउस कोर्ट से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक,
आपका सपोर्ट हमारे उस आंदोलन में भी है और इस आंदोलन में देश भर में जहां भी होगा आप हर तरह से हमारे साथ में रहेंगे। जस्टिस ई ईश्वरैया साहब ने, वी ईश्वरैया साहब ने ये सारी बातें बताई हैं जो हिंदी में मैंने आपको सार उसका बताया है। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में बहुत ही हमारे सम्मानित बहुत सीनियर साथी, मैं समझता हूँ जिनको सुनकर हमें बहुत हौसला मिलता है और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सीना तान के जो लड़ते हैं, आदरणीय श्री प्रशांत भूषण साहब सीनियर एडवोकेट, वो आए और अपनी बात आपके बीच में रखें। आदरणीय प्रशांत भूषण साहब प्लीज। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मसला पूरे दुनिया में चर्चित रहा है और जैसे जैसे इसकी समझ बढ़ती गई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में छेड़खानी करी जा सकती है, वैसे वैसे यूरोप में ज़्यादातर देशों ने, अमेरिका में ज़्यादातर स्टेट्स ने, सब ने ईवीएम हटाकर वापस पेपर बैलेट पर चले गए। अभी हाल में बांग्लादेश ने भी ये फैसला लिया कि वो ईवीएम हटाकर वापस पेपर बैलेट पर ही चुनाव कराएंगे अब की बार जो चुनाव हुआ। उधर जर्मनी के तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने आदेश ही दिया पूरी सुनवाई करके कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़खानी हो सकती है, इसलिए पेपर बैलेट से ही चुनाव करवाए। हमारी इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि नहीं, हमारे ईवीएम ऐसे हैं जिसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। इस पर मदन लोकुर साहब के नेतृत्व में, जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज थे, एक सिटीजन्स कमीशन आयोजित हुआ जिसमें कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स ईवीएम्स के सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने आकर डिपोज किया और आखिर में उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हिंदुस्तान की भी ऐसी हैं जिसमें छेड़खानी हो सकती है। तो इसलिए ये मांग बार बार उठ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले ये आदेश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ आप पेपर ट्रेल भी लाइए, क्योंकि जब तक पेपर ट्रेल नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो जिन लोगों ने जितने लोगों ने जिसको वोट दिया उतने ही रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और उसके बाद ये वीवीपैट मशीन्स आई। अभी तक वीवीपैट में सिर्फ 2% वीवीपैट मशीन्स के पेपर स्लिप्स की काउंटिंग करी जा रही है। ये बार बार डिमांड किया गया कि भाई सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करिए, सिर्फ 2% क्यों। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, उसमें 2 दिन और लग जाएंगे चुनाव होने नतीजे आने में। अरे भाई, आप वैसे भी काउंटिंग जो है चुनाव होने के 1-1 महीने बाद करते हैं, 7 फेजेस में इलेक्शन करते हैं, 7-8 फेजेस में इलेक्शन होते हैं, तो 2 दिन और लग जाएंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं काउंट करेंगे। लेकिन मैं ये पहले मानता था कि अगर सारे वीवीपैट काउंट हो जाएं तो उसके बाद फिर रिजल्ट फ्री एंड फेयर हो जाएगा। लेकिन हाल में मैंने देखा, किसी ने आकर मुझे डेमोंस्ट्रेट किया, एक डमी वीवीपैट मशीन लाए, एक डमी ईवीएम बनाया, एक डमी कंट्रोल यूनिट बनाया और उन्होंने दिखाया कि अच्छा, ये बात मुझे, मैंने रजिस्टर नहीं करी थी कि 2017 में वीवीपैट मशीन का डिज़ाइन बदल दिया गया। 2017 से पहले जो वीवीपैट मशीन थी जिसमें आपको वो स्लिप दिखाई देती है सिंबल की, उसका कांच जो था वो ट्रांसपेरेंट था, बाहर से देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है। 2017 में इसका डिज़ाइन बदल दिया गया और कांच को काला कर दिया गया और अंदर और मिरर कर दिया गया, यानी कि आप बाहर से अंदर देख ही नहीं सकते जब तक कि अंदर एक बल्ब ना जले और वो बल्ब 7 सेकंड के लिए जलता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जैसे आपने हाथ पर बटन दबाया है तो हाथ की स्लिप आपको 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी, उसके बाद बल्ब बंद हो जाएगा।
आपको स्लिप कट के गिरती हुई भी नहीं दिखाई देगी। तो जो साहब आए उन्होंने मुझे डेमोंस्ट्रेट किया कि हम बड़े आसानी से वीवीपैट को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर दो एक के बाद एक दो जनों ने एक ही जने को एक ही कैंडिडेट को वोट दिया, एक ही सिंबल पर वोट दिया, तो वही स्लिप जो पहले जने को दिखाई गई वही स्लिप दूसरे जने को भी दिखा दी जाएगी, वो कट के नहीं गिरेगी, क्योंकि 7 सेकंड के बाद बल्ब जो है बुझ जाता है, उसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि बुझ जाता है, फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देता कि वो स्लिप गिरी कट के गिरी कि नहीं गिरी या वही स्लिप वहीं पर है। तो दूसरे जने ने अगर उसी सिंबल पर वोट दिया तो आपको वही पर्चा दिख जाएगा जो पहले जने को दिखाया गया, और जैसे ही लाइट बंद होगी तो ये पर्चा कट के गिरेगा और एक और पर्चा दूसरे किसी सिंबल का कट के गिर जाएगा। अब जो कंट्रोल यूनिट में जो काउंटिंग होती है वो तो वीवीपैट से ही सिग्नल जाता है, वही काउंट होएगी। तो वीवीपैट ने चाहे दोनों जनों ने मान लीजिए कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन वीवीपैट ने एक स्लिप कांग्रेस की प्रिंट करी और वही स्लिप दूसरे को भी दिखा दी और उसके बाद एक स्लिप मान लीजिए भाजपा की प्रिंट करी, और यही चीज़ कंट्रोल यूनिट में भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वीवीपैट की अगर हम पूरी काउंटिंग कर भी लें वो ईवीएम से मैच हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैनिपुलेट हो सकता है। इसलिए अब ये डिमांड हुई है, इंडिया अलायंस ने भी ये डिमांड करी है कि भाई ये जो स्लिप वीवीपैट की गिरती है वो आप लोगों के हाथ में दे दीजिए, उसको आसानी से आप थोड़ा सा रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है वीवीपैट को, कि जो स्लिप कट के गिरती है हाथ में दे दीजिए और उसको एक दूसरे बैलेट बॉक्स में डाल दे वोटर, और फिर आप उस बैलेट बॉक्स की काउंटिंग कर लीजिए। वो तो उसमें अगर आप बार कोड लगा दें तो उसकी काउंटिंग फट से मशीन से भी करी जा सकती है, और वैसे भी अगर आप उसको मैन्युअली भी काउंट करेंगे तो एक दिन में सारी काउंटिंग आसानी से हो सकती है, उसमें कोई डिले होने की भी बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे का डिले हो। तो इसको इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मान ही नहीं रही, उनसे एक और डिमांड करी गई है कि भाई आप हमारे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखने दीजिए मशीन का, क्योंकि देखिए ये मशीन्स में वीवीपैट में भी कंट्रोल यूनिट में भी हार्डवेयर भी होता है और उसी हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर भी होता है। इलेक्शन कमीशन कहती है कि नहीं इसमें ब्लूटूथ नहीं है, तो बाहर से कोई डिवाइस उसमें कनेक्ट नहीं कर सकता। ब्लूटूथ ना भी हो तब भी आप उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो उसका है उसमें ऐसा प्रोग्राम डाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि दो अगर कंसेक्यूटिव नॉन बीजेपी वोट्स पड़ती हैं तो दोनों को वही स्लिप दिखा दी जाए और एक वोट नॉन बीजेपी को और एक वोट बीजेपी के पास चली जाए। ऐसा प्रोग्राम आसानी से डिज़ाइन किया जा सकता है, यही बात सिटीजंस कमीशन ने भी कही थी। और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्यों ये सरकार और उनका इलेक्शन कमीशन इस बात को इतना ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है कि हम ना तो आपको मशीन को देखने देंगे और ना ही हम पेपर स्लिप आपके हाथ में देंगे वहाँ डालने के लिए, ना ही हम वीवीपैट की पूरी काउंटिंग करेंगे। सब चीज़ों को वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं कि मैंने उसका उस आदमी ने जिसने डेमोंस्ट्रेशन दिया था उसका वीडियो अपने एक ट्वीट में डाल दिया और सरकार ने ट्विटर को लिख दिया कि भाई इस ट्वीट को हटा दीजिए। कह रहे हैं जो भी जना ये वीडियो डाल रहे हैं कि भाई इस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है, ट्विटर फेसबुक वगैरह सब वो पोस्ट को हटा दें। क्यों इस हद तक सरकार जा रही है कि लोगों को जनता को ये दिखाने भी नहीं दे रही, बताने भी नहीं दे रही कि भाई इस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इसलिए हमारा पूरा लोकतंत्र खतरे में है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मैं सर्टेनिटी से कह सकता हूँ कि ईवीएम से मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन इसकी बहुत शंका है और ये शंका उतनी ही बढ़ती जा रही है जितना इलेक्शन कमीशन ये सब दिखाने को या चेंज करने को रेजिस्ट कर रहा है, जितना सरकार लोगों सारे सोशल मीडिया कंपनीज को कह रही हैं
कि भाई लोगों को ये दिखाने भी मत दो। इसका मतलब ये है कि जिसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ज़रूर ऐसा इससे ये आशंका बढ़ गई है कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है। और इसीलिए अगर हमको लोकतंत्र को बचाना है इस देश में, ये सारी सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में सिटीजन्स का बड़ा मूवमेंट होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आफ्टर ऑल लोकतंत्र तो हमारे लिए है। इसलिए पूरे देश में एक बड़ा पीपल्स मूवमेंट ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के नाम से चलना चाहिए और वापस पेपर बैलेट की तरफ हम लोगों को आना चाहिए। तो देखा आपने कितनी अच्छी तरह से आदरणीय प्रशांत भूषण साहब ने बताया है ईवीएम में किस किस तरह के सारे खतरे हैं और कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन हर बात पे रेसिस्ट कर रहा है, किसी भी बात को बताने को तैयार नहीं, ना मशीन दिखाने को तैयार है, ना देने को तैयार है, ना उसमें कुछ वीवीपैट की जो मांग की गई है इंडिया गठबंधन द्वारा उसे भी मानने को तैयार नहीं। और जहां तक पर्चियों की गिनती की बात है, मुझे मालूम है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में सारे बैलेट पेपर गिन जाते थे। मैं खुद इसका गवाह रहा हूं, काउंटिंग में मैं शामिल रहा हूं। मेरे ताऊ जी एमपी रहे हैं, मैं इसलिए जानता हूं खुद इन सारी चीजों को। सो ये जो सारी चीजें हैं ये केवल बहाने हैं इस बेईमानी को बरकरार रखने के। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, मुझे तो लगता है पूरी दाढ़ी केवल तिनको ही तिनको से है, उसमें बाल वगैरह कुछ है ही नहीं। ये स्थिति है हकीकत में, नहीं तो उसे क्या दिक्कत है। इसीलिए जो हमारी मांग है बहुत स्पष्ट है, और मांग हमारी यह है कि कोई ईवीएम नहीं, कोई वीवीपैट नहीं, केवल और केवल बैलेट पेपर। हमारी मांग क्यों है मैं बार बार कहता हूं। हमारे साथ में आदरणीय जस्टिस वी ईश्वरैया साहब भी बैठे हैं, आदरणीय जस्टिस वीरेंद्र कुमार जी भी बैठे हैं। अब इनसे बेहतर कौन जानता होगा कि जो मशीनें हैं, मैं आपसे ही पूछता हूं, आप सबसे पूछता हूं, क्या जानते हैं कि मशीन की तकनीक क्या है, वो कैसे काम करती है? कोई नहीं जानता। मैं बार बार ये सा, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है जो इंडिया गठबंधन भी बात कर रहा कि पर्ची दे दो और उसे डाल दो डिब्बे में। कहानी खत्म करो ना, पर्चा हाथ में दो, उस पर ठप्पा लगाओ, बैलेट बॉक्स में डालो, गिनवाओ, छुट्टी, बहुत सीधा सा है। इसीलिए अब मैं जो हमारे साथ में आए हुए हैं हमारे इस पैनल में, बहुत ही इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, बस सिर्फ कि कानूनी प्रॉब्लम बताई जा रही है कि जो इलेक्शन के रूल्स हैं उसमें चेंज करना पड़ेगा, उसमें पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि पार्लियामेंट का सेशन अभी हमने देखा था, नई पार्लियामेंट बनाने के लिए सेशन बुला लिया गया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि यहाँ सब लीगल ल्यूमिनरीज बैठे हुए हैं। कोई भी रूल अगर चेंज किया जाता है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि वो रूल इम्प्लीमेंट तब हो जाता है जब वो रूल बना के पार्लियामेंट में प्लेस कर दिया जाए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नोडल एजेंसी इस रूल के बनाने वाली इलेक्शन कमीशन होगी, तो इलेक्शन कमीशन अगर रूल चेंज करके पेपर बैलेट का रूल बना के डालती है पार्लियामेंट में, सिर्फ प्लेस करना होता है। हर एक कानून में ये लिखा होता है एज सून एज द अमेंडेड रूल्स आर प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट, प्लेस करना होता है, कोई पास कराने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कानून है, ये भी मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता था। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भी लीगल जो इम्पेडिमेंट है वो है ही नहीं, ये सब झूठ है, इसके ऊपर हमें जाना नहीं। और जनता ने जब तय कर लिया है सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होगा चुनाव हमारा, चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कैसे होगा इलेक्शन? जनता चाहती है पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा, सीधी बात। अब मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगा बहुत ही सम्मानित आदरणीय जस्टिस वीरेंद्र कुमार यादव साहब को, वो आए और आपके बीच में प्रेस को संबोधित करें प्लीज।